गाइज हम काफ़ी चिड़िया नीचे उतर गए, अभी तक हमको दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। गाइज हमें उतरते वक्त हालत ख़राब हो गई है, उतरते उतरते ही हालत ख़राब हो गई है, काफ़ी पैर में वाइब्रेशन सा हो गया है, काफ़ी थकान सी महसूस हो रही है। बड़ो तो पीछे विश्राम कर रहे हैं, हम नीचे उतरते ही थक गए हैं, तो समझो ऊपर चढ़ते तो हमारी हालत टाइट होने वाली है। यहाँ पर इनको रोड बनानी चाहिए, काफ़ी दूर है। उन बच्चों ने कहा था 700 सीढ़ियाँ हैं, तो हमें लगता है हमने 500 सीढ़ियाँ तो पार कर ही ली है, और आगे कितनी सीढ़ियाँ और होने वाली हैं देखते हैं। पीछे ब्रो आ रहे हैं, पीछे ब्रो थकान दूर करके कितने फास्ट आ रहे हैं। कितनी थकान हो गई आपको? थकान तो कहाँ हुई है, बच्चे कह रहे थे 700 सीढ़ियाँ, हमें लगता है 7-8 हज़ार सीढ़ियाँ तो कम्प्लीट कर ली। 7-8 हज़ार? हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? गाइस काफ़ी शानदार सा व्यू है, मैं कैमरा एंगल चेंज करके आपको बताता हूँ। गाइस काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी थक गए हैं उतरते वक्त ही, तो चढ़ते वक्त आपको पता है हमारी हालत टाइट होने वाली है। और ऊपर तो जंगल ही जंगल दिख रहा है, ऊपर से जंगल दिख रहा है, नीचे तो दिखे ही दिखे पर ऊपर भी दिख रहा है, पूरा पैक है। बस बीच में सीढ़ियाँ बना दी है, कोई महान कारीगर थे जिन्होंने यहाँ रास्ता बनाया, सीढ़ियों की जगह रोड बना देते। काफ़ी दूर ब्रो, ब्रो वही तालाब पे हम आ गए जो ऊपर से आपको 25 किलोमीटर दिख रहा था। कहाँ देखो तो सही, आपको बादल दिख रहे हैं बॉस। ये बादल नहीं है, ये बादल है। ध्यान से देखो, ये फोग है। अरे यार मेरे को तालाब दिख रहा है कि हम तालाब के पास पहुंच गए बॉस, आप ऐनक भूल गए, देख लो। अच्छा ऐसा है। कोई बात नहीं ब्रो, गाइस अभी तो काफ़ी दूर है, मेरे को यहाँ से आसमान दिख रहा था जैसे हम तालाब के पास पहुँच गए। ओके गाइस थोड़ा आगे जाके आपको फिर से मिलते हैं। गाइस हम लगभग नीचे तक पहुंच गए हैं, हमारी 700-7 हज़ार जो भी जितनी सीढ़ियाँ थी वो पूरी होने वाली हैं, तो हम पहुंच गए। श्री गोमुख तीर्थ, गाइस गोमुख मंदिर में पहुंच गए हैं। नीचे और रास्ता जाता है। ओके गाय के मुंह से पानी की वर्षा अभी भी हो रही है। ओके यहाँ पर ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। गाइस ये यहाँ पर ये गोमुख बना हुआ है, एक मुंह से यहाँ पर पानी की वर्षा हो रही है। ओके ये सूर्यनारायण भगवान है, ये सरस्वती माता सूर्यनारायण शिव जी। गाइस ये पानी कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं है, माना जाता है यहाँ पर अखंड पानी चालू ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कृष्ण आश्रम मुख्य मंदिर, ऐतिहासिक अग्निकुंड गौशाला नीचे की ओर बना हुआ है। गाइस हम गोमुख मंदिर से नीचे आ गए हैं, और यहाँ पर ऐतिहासिक अग्निकुंड गौशाला है। यहाँ पर काफ़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं।
सत्यनारायण, गौतम, लक्ष्मी नारायण, देवराज इंद्र, गाइस यहाँ पर जो आपने देखा शिव जी का मंदिर बना हुआ था, और ये है आश्रम। ये आप आश्रम पूरा अंदर से देख सकते हैं, पीछे पेड़ लगे हुए हैं, और ये पूरा आश्रम है। पहाड़ के बीचों बीच नीचे की ओर आश्रम बनाया हुआ है। इस आश्रम पर कम ही लोग आ पाते हैं क्योंकि चिड़िया चढ़ने और उतरनी पड़ती हैं, हम भी काफ़ी थक गए हैं। तो आश्रम को अग्निकुंड दिखा देते हैं। ये गाइस यहाँ पर अग्निकुंड बना हुआ है। तो गाइस माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर आश्रम में विराम लिया हुआ है एक बार, तो फिर इसलिए यहाँ पर ये पवित्र इलाका माना जाता है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान वगैरह सभी देवी देवताओं के, नारायण की, उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर सिद्ध पुरुष वगैरह भक्ति करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ से पानी पी लिया है, और ये बच्चे यहाँ पर आम खाने आए हुए। आम के यहाँ पे पेड़ भी हैं। ब्रो का कहना है हम भी छोटे थे, हम इस तरह से मस्तियाँ करते थे, लोगों के खेत में जाके आम खाते थे। पर यहाँ पर ये जंगल है, और जंगल में कहीं किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जिसके अंदर हिम्मत हो वह यहाँ पर आकर आम आम खा सकते हैं। यहाँ पर पेड़ काफ़ी सारे हैं, पर हम जंगल ये रास्ता छोड़ के जंगल के अंदर जा नहीं पाएंगे। आपने आम खाए खाए आम? ओके, इन्होंने भी आम खाए हैं। ऊपर की साइड गोमुख मंदिर है जो आपको हमने दिखा दिया है। गई यहाँ तक भी बिजली का कनेक्शन आया हुआ है, जिन्होंने ये सिस्टम वगैरह किया है, धन्यवाद इनका बहुत बहुत, काफ़ी शानदार सा सिस्टम बनाया। चलिए गाइस तो अब मिलते हैं हम आपको ऊपर की ओर, चढ़ना काफ़ी मुश्किल रहेगा। यहाँ पर आम का पेड़ देखा, ऊपर मेरे को आम दिख रहे थे, ब्रो ने आम देखे, तो ब्रो ने कहा आम तो खाना ही है, तो ट्राई जरूर करेंगे, खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे वो अलग बात है। ये आम आपको दिख रहा होगा, एक ये आम है, ऊपर आपको और आम दिख रहे होंगे, देखो अंदर की साइड काफ़ी हरे भरे। ब्रो को काफ़ी डर लग रहा है, और लेकिन आम तो खाने है। बंदर की तरह ऊपर चढ़ गया और फिर भी बोला आम तो खाने हैं। ऊपर चढ़ा है और नीचे देखो कितनी गहरी खाई है, खतरनाक सी गहरी खाई है। गाइस ब्रो ने एक आम ले लिए, फेंको फेंको, मैं फ़ोन करता हूँ फिर कैच करता हूँ। गाइस काफ़ी सुंदर से एकदम आम है, पर एक आम तो हमारा गिर गया नीचे, दूसरा वाला हमने पकड़ लिया है, देखते हैं। और आम के अंदर काफ़ी गम गम टाइप था। ब्रो कहाँ दिख रही है आपको और आम? वो तो काफ़ी दूर है, दिख रही है आपको? हाँ वो काफ़ी दूर है। चलो फिर तो ट्राई करो नीचे आने की, लेके ही आओगे? ओके ब्रो और कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस एक और वहाँ पे आम ब्रो को दिख गई है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली उस तेरी तो अभी तो मेरा खोपड़ा तोड़ देती। ये आम नीचे गिरा के ही रहूँगा ब्रो कह रहे हैं, आम नीचे गिरा के रहेंगे, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। ओके तो मैं नीचे आ गया हूँ पेड़ से, और एक आम नीचे गिर गया था काफ़ी नीचे खाई में, तो बॉस वो लेने गए, मैं आपको दिखाता हूँ। बॉस मिली आम? ओके तो बॉस, हाँ बॉस आप दिख रहे हो मेरे को, कहाँ बॉस? हाथ में करना मैंगो। ओके ओके वाह काफ़ी पकी हुई है ये, तो मैं ही खाऊंगा, जल्दी आओ, आ जाओ बॉस आ जाओ। काफ़ी मशक्कत के बाद में तीन मैंगो ये और चौथी मैंगो वो बॉस लेके आ रहे हैं।
बॉस फटाफट आओ यार, अब रहा नहीं जा रहा, मैंगो देख के तो भूख सी लग गई है। बॉस पानी के रास्ते से गए हैं, बारिश अभी हुई नहीं, नहीं तो पानी के अंदर ही। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? आ जाओ बॉस, वाह काफी खतरनाक था, काफी डरावना इलाका था ब्रो। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपसे, तभी तो मैं नीचे जा पाया। ओके, तो अब हम मैंगो खाते हैं, चलते चलते। और अभी यहाँ से रवाना होंगे आगे की लोकेशन के लिए। ब्रो को पूछें, ब्रो ने कौन सी लोकेशन आगे तैयार की है, देखना पड़ेगा। ओके ब्रो, देख के बता रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। Time is better.